नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। 50 प्लस के लोग भास्कर ही पढ़ते हैं। आपने मेरे को वहाँ बोला और आप खुद निकल आए यहाँ। ये दोनों गाड़ी किसकी है? सुभाष शर्मा सर जी की है। और ये? तो ये मेरी है, मयंक कपूर। आपका नाम क्या? मयंक कपूर। क्या हुआ था, गाड़ी कांच कैसे फूट गए? हम लोग यहाँ काफी टाइम से गाड़ी खड़ी करते हैं, शिवाई चौक में बगीचे के सामने, ये पार्किंग जोन जैसा ही है, तो हम यहाँ खड़ी कर देते हैं अपनी गाड़ियाँ, सिटी में हम नहीं लगा पाते हैं। तो ये सर का घर यही है और एक मानसिक रूप से पता नहीं क्या, तुम कैसे जानते हो कि मानसिक रूप से? मुझे पता चला, उसने क्या हरकत करी, कैसे करी, क्या इंटेंशन था, ये टोटल फीसा बिगाड़ना था। क्या हुआ था दादा, आपने देखा तो क्या हुआ? पत्थर, मैं दुकान में बैठा था सामने। अच्छा, पत्थर फेंक फेंक के गाड़ियों का तोड़ने लगा। और मैं जब आया, वो मैं जानता हूँ उसका चेहरा, उसको तो मेरे को गालियाँ देने लग लगे थे। गाली मत दो ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, गंदी गालियाँ थी। हाँ, FIR में लिखवाना। आप ये बताओ, गंदी गंदी गालियाँ थी उसने। हाँ। और बोले कांच की तरह तुम्हारे को भी तोड़ देंगे। अच्छा, कितने लड़के थे? एक था, उसके भीड़ तो बहुत सारी थी उसके साथ, वो खड़ा था। क्यों उनने तोड़ा होगा, क्या लगता है? क्या पता, माहौल बिगाड़ना, शहर की फिजा बिगाड़ने का काम है। और क्या, वाजी चौक में से भी बड़ा, यही चाह रहे की कार्रवाई हो, हमने गाड़ियों के कांच फिर से लगा के लाना और फिर फोड़ देना। तो ये मतलब खंडवा में रह रहे हैं या कराची में, तो समझ में तो आए। ये सेंसिटिव एरिया है शिवाजी। नहीं तो नहीं, तो आपकी गाड़ी, आप गाड़ी तो इधर बहुत सारी खड़ी है, आपकी गाड़ी क्यों फोड़ेगा वो? कोई पुराना किसी, उनसे कुछ विवाद है? हम सब व्यापारी लोग हैं, हम सब व्यापारी लोग हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी जस्ट एक घंटे पहले मैंने गाड़ी यहाँ ला के खड़ी करी और कई साल से गाड़ी हम लोग खड़ी कर रहे हैं, बट ये पहली बार मैं भी फेस कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को कि ये, बट जो वीजा बिगाड़ने की कोशिश की हुई है, हम ये चाहते हैं कि आरोपी के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? एडवोकेट सुभाष शर्मा। हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करे उस बंदे पे। आज हमारी गाड़ियों के कांच फूटे हैं यहाँ पे लाइन से, और भी हिंदू गाड़ियाँ हैं। वो वहाँ उसका नहीं तोड़ा, देखो वो गाड़ी का नहीं तोड़ा, वो वहाँ गैरेज पे लगी, वो उधर देखो वो गाड़ियाँ खड़ी है उधर। ये टोटली भय फैलाने वाली वो जो है ना, ये मोमेडन लोग की गाड़ी है, जितनी खड़ी है किसी के कांच में फूटे, देख लो। हम ये चाहते हैं कि जो भी, हम हिंदू मुस्लिम में नहीं रहते हैं, हम भी सब साथ में कई वर्षों से रह रहे हैं, बट हम ये चाह रहे हैं कि जो आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई हो, जिसने ये हरकत करी है, जो फीजा बिगाड़ना चाह रहा है उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई। बाजार, गुरुवार के बाजार का विरोध करते हैं, इसकी भी तकलीफ है। अच्छा, गुरुवार का बाजार आने से क्या होता है, उसके बाद में सर जो भी है उसमें क्या करते हैं, हो या कैमरा लगा उसमें आ जाओ। हाँ, कैमरे में, और यहाँ पे HD कैमरे लगे हुए हैं ना प्रशासन के। तो आप एक काम करो, जिनके कांच फूटे हैं, जो जो प्रताड़ित हुए हैं, वो लोग थाने चलो, थाने से कंट्रोल रूम में इसका वो है, कभी तो वहाँ थाने से स्टाफ को बोल के हम कंट्रोल रूम। जी जी जी, जो कार्रवाई हम करें। हाँ, चलो। आप तो एक काम कीजिए ना, बंदे ना श्रीमान जी आस पास से जिसने देखा उसका एविडेंस है, वो कैमरे में देख रहा है, कंट्रोल रूम में कैमरे में आ जाएंगे, तब आ जाएंगे। मैं चौराहे पे ही है, मैं थाने लेके आ रहा हूँ, मैं थाने लेके आ रहा हूँ, फोटो खींच लो, ठीक है। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।